2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल है और इसीलिए खास करके तीन ये तीन राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान हिंदी भाषी ये तीन राज्य इनको ना बीजेपी छोड़ना चाहती है और ना कांग्रेस छोड़ना चाहती है इस बीच में लगातार वहां पर बड़े नेता पहुंच रहे हैं अमित शाह पहुंचे भोपाल के अंदर और उसके बाद कल मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अंदर सागर में पहुंचकर करके एक जनसभा की और वहां पर एक बड़ा ऐलान कर दिया और ये ऐलान खास करके बीजेपी की जो सबसे मजबूत पिच मानी जाती है उसके ऊपर जो है बड़ा कठोर जो है एक आघात पहुंचाएगा और इस ऐलान से बीजेपी को बचने का दाएं बाएं रास्ता नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिवार जनगणना करवाएंगे जातीय जनगणना करवाएंगे देखिए बीजेपी की जो सबसे बड़ी पिच मानी जाती है बीजेपी का सबसे मजबूत टॉपिक माना जाता है वो माना जाता है हिंदुत्व और तमाम राजनीतिक जानकार लोग इस बात को कहते हैं कि हिंदुत्व की अगर कोई काट है हिंदुत्व का अगर कोई जो है मुकाबला कर सकता है तो वो है जातीय जनगणना जातीय जनगणना की बात आप जैसे ही करेंगे हिंदुत्व जो है वो उड़ जाएगा और उसके बाद में लोग जो है वो देख लेंगे कि हां किसको कितना मिल रहा है और किसको कितना नहीं मिल रहा है और इन सबको जो है वो अपने बारे में पता ना चले इसीलिए घोलमेल करके सबको जो है वो हिंदुत्व के राग के नाम पर सबको जो है इकट्ठा करके रखो ये बीजेपी सोचती रहती है जबकि कांग्रेस और तमाम जो है वो दूसरी विपक्षी पार्टियां वो कहती हैं जैसे बिहार के अंदर जातीय जनगणना का कार्ड चला और उसमें बीजेपी को खुद कबूल करना पड़ा मानना पड़ा कि हाँ हम जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार हैं तो बिहार जैसे राज्य मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पर दलितों की पिछड़ों की आबादी बहुत मायने रखती है वहाँ पर जातीय जनगणना का जो कार्ड है वो बहुत मजबूत कार्ड है और जातीय जनगणना के नाम पर बीजेपी जो है वो फंस जाती है और मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां बी से बीएसपी ने सबसे पहले अपना जो सांसद बनाया रीवा से बनाया तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर दलितों का पिछड़ों का जो है वो प्रभाव रहा हालांकि मायावती का एक वक्त में दौर था कि वो मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार में भूमिका रखती थी हरियाणा में भी रखती थी और उत्तर प्रदेश में तो उनकी सरकार खुद ही रही लेकिन अब धीरे धीरे उनका दायरा सिमटता चला गया लेकिन ये समझने के लिए काफ़ी है कि हाँ जब जिस वक्त में काशीराम की राजनीति उभर रही थी तो मध्य प्रदेश से उनका पहला सांसद रीवा से चुनकर के आता तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इससे एक जो है वो मध्य प्रदेश का जो लिटमस है टेस्ट है वो पता चलता है कि शुरुआती दौर से ही मध्य प्रदेश में और खास करके आदिवासियों की बात करिए तो आदिवासियों के नाम पर तो कैसे जो है वो चीजें हुई और अब खुद शिवराज सिंह चौहान को जो है जिस आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया गया और वो पेशाब करने वाले कौन थे सवर्ण जाति से थे तो जब पेशाब किया गया तो शिवराज सिंह चौहान को उस आदिवासी को अपने घर बुलाना पड़ा पैर धोने पड़े उसको कहना पड़ा कि तुम मेरे सुदामा हो तुम मेरे दोस्त हो तो ये सब कुछ जो है वो किस बात का असर है ये असर है जातिवार जनगणना का और आदिवासियों की दलितों की पिछड़ों की जो वहाँ पर एक संख्या है वो सीधे तौर पर जो है पचास परसेंट से ऊपर कई सारी सीटों पर पड़ती है और पचास परसेंट से ऊपर जब इन सीटों पर जो है वो असर पड़ता है तो फिर निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान तो जो है होगा बीजेपी इसका विरोध भी नहीं कर पाएगी बीजेपी मना भी नहीं कर सकती है ये कार्ड इसलिए भी अहम है एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि जातीय जनगणना का कोई असर जो है वो शहरी क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा जैसे कि इंदौर हो गया जबलपुर हो गया ग्वालियर हो गया इन क्षेत्रों के अंदर नहीं पड़ेगा लेकिन जहां पर जहां पर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है या जहां पर जो है वो अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यकों के साथ में अगर दलितों को पिछड़ों को और मिला लिया जाए तो फिर कांग्रेस कई सीटें ऐसी है जहां पर 60 परसेंट सत्तर परसेंट तक जो है वो एक तरफा वहां पर वोट हासिल कर सकती है कई सीटें हैं ऐसी जहां पर अल्पसंख्यकों को दलितों को और उसके साथ साथ पिछड़ों को अगर इनको मिला दे एक साथ तो बीजेपी के पास में वोट बचता नहीं है बीजेपी फिर सीधे वहां पर जो है उन विधानसभाओं के अंदर 20-25 परसेंट पर आकर के सिमट जाती है और कोई कहीं पर जो है दूर दूर तक चांस नहीं दिखाई देता है और इसीलिए अमित शाह जी ने बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी ने जो उनतालीस सीटों की घोषणा की है वो उनतालीस सीटें वो हैं जहां पर बीजेपी हार गई थी आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की हार हुई और ये सब कुछ इसीलिए है अब मल्लिकार्जुन खड़गे कल पहुंचे तो उन्होंने कह भी दिया कि ये जो सरकार ये लोग चला रहे हैं ये नाजायज़ सरकार है क्योंकि कांग्रेस को बहुमत मिला था कांग्रेस के लोगों ने सरकार बनवाई थी और बाद में पैसे से ईडी से सीबीआई से इन्होंने अपनी सरकार बना ली तो ये नाजायज सरकार है ये तमाम बातें कही गई हैं और कांग्रेस ने एक और बड़ा इसके साथ वादा किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सागर जिले के अंदर रविदास विश्वविद्यालय जो है वो खोला जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने अभी पीछे जो उनकी यात्रा रही उसमें रविदास जो है वो मंदिर का लोकार्पण किया था तो निश्चित तौर पर जो टारगेट है जो अपने खेमे में लेने वाली बात है तो बीजेपी कोशिश कर रही है कांग्रेस कोशिश कर रही है कि, कि किसी तरीके से दलित और पिछड़े उसके साथ में आ जाए मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो आप ज़्यादातर सीटों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर दलितों की पिछड़ों की अल्पसंख्यक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क डालें अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो करीब पंद्रह बीस सीटें ऐसी रहेंगी जहाँ पर अल्पसंख्यकों की जो है वो एक भूमिका होती है भोपाल की कुछ सीटें लगा लीजिए खरगोन की लगा लीजिए बुरहान के लगा लीजिए तो ये कुछ सीटें ऐसी रहेंगी बाकी जगह पर जो है वो अल्पसंख्यकों की उतनी जो है वो भागीदारी नहीं है सीटों के लिहाज से लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है कि अल्पसंख्यक हैं उसके साथ दलित हैं उसके साथ पिछड़े हैं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है अब देखिए कांग्रेस की जो अब छह गारंटियां हो गई है पहले पांच गारंटियां थी अब छह हो गई है और ये छह गारंटियां जो है वो बड़ा चिंता पैदा करेंगी पहला गैस सिलेंडर पांच सौ रुपये में हर महीना हर महिला को हर महीने पंद्रह सौ रुपये दिए जाएंगे बिजली की सौ यूनिट माफ होगी और दो सौ यूनिट तक बिजली हाफ होगी किसानों का कर्ज माफ होगा पुरानी पेंशन योजना लागू होगी जातीय जनगणना जो है वो करवाई जाएगी तो ये छह बिंदु जो हैं सिलेंडर का जातीय जनगणना का पुरानी पेंशन का ओ का कर्ज़ माफी का और बिजली के रेट का और पंद्रह सौ हर महिला को मिलेंगे ये कांग्रेस के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस ने चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव ओपीएस के नाम पर बदल करके रख दिया चाहे जो है वो पांच गारंटियां इसी तरह से दी गई कर्नाटक के अंदर और वहां पर भी चुनाव बदल गया तो ये चीज़ें जो है वो असर डालती हैं अब अगर आप देखेंगे तो एक आदमी जो है वो जो गांव का आदमी उसको पंद्रह सौ रुपये पाँच सौ रुपये में जो है सिलेंडर मिल रहा है और जिस सिलेंडर की कीमत ग्यारह सौ रुपये है तो छः सौ रुपये तो उसके यहाँ पर बच गए छः सौ रुपये उसको यहाँ बच गए पंद्रह सौ रुपये उसको जो है महिला को मिल गए उसके बाद सौ यूनिट बिजली जो है वो माफ हो गई तो सौ यूनिट बिजली माफ हो गई तो इसका मतलब आप मान करके चलिए कि करीब करीब जो है वो आठ रुपए के हिसाब से यूनिट में आठ सौ रुपए का बिल जो है आता था वो माफ हो गया किसानों का कर्ज माफ है वो अलग है पुरानी पेंशन योजना लागू होगी वो अलग है तो गांव में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर जो है वो उनतीस सौ तीन हजार रुपए जो है वो करीब करीब यहां पर हो जाता है तो ये एक तीन हज़ार का बड़ा फ़ायदा जो है गांव में और फिर उसके बाद में बुज़ुर्ग पेंशन भी है घर में अगर कोई दो बुज़ुर्ग हैं तो उनकी बुज़ुर्गों की पेंशन है तो वो सारी चीज़ें अलग हैं और ये चीज़ें असर तो डालती हैं इसमें कोई जो है वो शंका तो नहीं है ये चीज़ें गाँव देहात के लोगों को बहुत ज़्यादा असर डालती हैं शहरी क्षेत्र में हो सकता है कि जो लोग जो है वो कहें कि नहीं ये तो नहीं है वो नहीं है लेकिन शहरी क्षेत्र में भी बिजली का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बन जाता है आप दिल्ली से जैसे शहर में देख लीजिए कितना असर जो है वो फ्री बिजली का पड़ता है और कितना जो है वो केजरीवाल का वोट बैंक उससे बना इसी कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो केजरीवाल ने अपनी तरफ कर लिया बिजली पानी के नाम पर तो वहां पर वो मुद्दा चला अब दूसरी चीज आप देखिए कांग्रेस के इन मुद्दों को लेकर के खड़गे ने कहा कि आईआईटी एम्स और साक्षरता 18 से चौहत्तर परसेंट की ये तिरपन साल का रिपोर्ट कार्ड है दरअसल क्या हुआ कि अमित शाह साहब जो है वो गए थे तो उन्होंने कहा कि हम पचास साल का रिपोर्ट कार्ड चाहते हैं कांग्रेस से हम अपना बीस साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं वो कांग्रेस पचास साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आइए क्योंकि अट्ठारह साल से शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री उससे पहले भी जो उमा भारती और बीजेपी के दूसरे नेता मुख्यमंत्री रहे तो ये यहाँ पर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमने जो है वो तमाम सारी चीज़ें जो हम ही ने बनाई थी जिस समय पर जो साक्षरता दर थी वो अट्ठारह परसेंट थी उसको चौहत्तर परसेंट तक लेकर के आए ये सारी बातें जो है कही उसके बाद में सागर में ये संत रविदास की स्थापना की जाएगी हेडलाइन बनी है बड़ी हेडलाइन है ये और इसका असर है इसीलिए जो है ये अखबार की पहली हेडलाइन है किसानों के लिए पाँच अलग से वचन दे रहे हैं तो पाँच हाउस पाउस का बिल माफ बिजली का बकाया माफ किसानों का कर्जा माफ़ आंदोलन के मुकदमे माफ़ 12 घंटे बिजली का रास्ता साफ तो किसान देखिए यही जो है वो असर जो है वो चुनाव में डालता है कि आपको छोटे छोटे तबकों के लिए कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कुछ करना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा और उसके साथ साथ उसको दिखा करके निभाना भी पड़ेगा तब जाकर के चीज़ें जो है आपके हक में होती हैं किसान दलित आदिवासी पिछड़ा इन सबको जो है आप मिला लेते हैं तो फिर आपके पास में एक अच्छा खासा वोट बैंक हो जाता है और बीजेपी और कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आमने सामने का मुकाबला रहता है अभी पिछले चुनाव में भी अगर बात करेंगे तो पिछले चुनाव में भी कोई ऐसा बहुत भारी अंतर नहीं था उसी की वजह से सिंधिया जो है निकल गए और सिंधिया के साथ में जो अट्ठारह बीस उनके विधायक लेकर के गए तो उनसे सरकार जो है गिर गई तो ये बराबर की जो चीज़ें चली रहती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और उसमें जो है वो अपनी तरफ कुछ वोटों को कुछ बैंक जो है वो खेमे को अगर इधर लेकर के आना है अपना वोट बैंक अगर बढ़ाना है तो फिर जो है अपना पिटारा भी खोलना पड़ेगा अपना दिल भी बड़ा करना पड़ेगा अब बीजेपी की तरफ से जो इसमें है इसमें रिएक्शन आई है बीजेपी कह रही है कि कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता से कांग्रेसियों ने छलावा देने छलावे में नहीं आने वाली है मध्य प्रदेश की जनता और वही जो है वो दलित वोटों के नाम पर यहाँ पर बीजेपी जो है हमला कर रही कि दलित वोटों के नाम पर कि कांग्रेस का इतिहास दलित विरोधी रहा है बाबा साहब का अपमान किया है तो संत रविदास का जो यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात कही एक तो वो बीजेपी जो मंदिर बनाने की बात करी वो कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी बनाने की बात कह दी और दूसरा जो है वो जो कांग्रेस ने जो घोषणा की है जातीय जनगणना की तो उन दोनों चीजों को लेकर के जो काउंटर किया है तो इसका मतलब ये है कि हाँ बीजेपी को भी पता है कि ये दोनों मुद्दे काम कर सकते हैं चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो और चाहे जो है वो रविदास के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का मुद्दा हो यूनिवर्सिटी बनाने का मुद्दा इसलिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें जो है वो आगे बढ़ने के लिए और रविदास के नाम पर जो है वो यूनिवर्सिटी बनेगी वहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है मंदिर से जो है ज़्यादा बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर हो जाता है दूसरा ट्वीट क्या है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो घोषणा करने से पहले कमलनाथ की अनुमति ले रहे हैं तो ये रविदास के ये इन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें रविदास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो है वो बोल रहे हैं और उस मंच पर जो है वो कमलनाथ बैठे हुए हैं तो बीजेपी ने यहां पर काउंटर किया है तो दोनों चीजों पर जो काउंटर किया है उससे चीज़ें समझ में आ रही है कि कहीं कही ना कहीं इन मुद्दों को लेकर बीजे के बीजेपी के अंदर भी एक संकेत जरूर है कि ये मुद्दे जमीन पर असर डालेंगे इसीलिए काउंटर उन्हीं चीजों को किया जाता है जिन चीजों से झटका लगता है तो बहरहाल ये दोनों चीजें कितनी काम कर पाएंगी कितना असर डाल पाएंगी ये तो वक्त बताएगा लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा दाव जरूर चल दिया है और पांच की बजाय अब उनके छह मुद्दे हो गए और जातीय जनगणना का मुद्दा बिहार में जिस तरह से बीजेपी को झुकना पड़ा था क्या उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस एक लामबंद कर पाएगी घेराबंदी कर पाएगी सरकार की या अभी भी जो है वो नरेंद्र मोदी जिस तरह से मंदिर की बात कहते तो उससे जो है ज़्यादा फर्क रहेगा या यूनिवर्सिटी की बात पर जो है ज़्यादा फर्क रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए धन्यवाद